मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीने में दर्द की शिकायत होने के बाद एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। इस दौरान उनके बेटे वैभव गहलोत, पत्नी सुनीता गहलोत मौजूद रही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संक्रमित होने के बाद से लगातार पोस्ट कोविड दिक्कतों से परेशान सीएम अशोक गहलोत की आज एसएमएस अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। गहलोत छाती में हल्के दर्द और भारीपन के चलते निजी लैब में जांच कराने पहुंचे थे, जहां तबियत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल एसएमएस अस्पताल लाया गया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी के निर्देशन में चिकित्सकों की टीम ने सीटी एंजियोग्राफी की तो सामने आया कि उनकी आर्टरी में एक LADCSX 90% से ज्यादा ब्लॉकेज है। एंजियोप्लास्टी के बाद डॉक्टर भंडारी ने सीएम गहलोत का हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें बताया गया कि सीएम गहलोत को एक स्टेंट लगाया गया है और अब वो स्वस्थ हैं। हमारे साथ मौजूद है एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर भंडारी जी, उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या सर ट्रीटमेंट हुआ है, क्या दिक्कत आई थी सीएम साहब को? सीएम साहब को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था और उनके गर्दन और हाथ में 2-3 दिन से पेन था। पिछले 1-2 दिन से उनको चेस्ट में भारीपन थी, तो ऐसा लग रहा था उनको कि ये स्पॉन्डिलाइटिस के कारण ही दर्द है और राइट हैंड में भी हैवीनेस थी। उनके सारे रिपीटेड टेस्ट नॉर्मल थे, बट कल जब उनको चेस्ट में हैवीनेस हुआ तो हम लोगों ने उनका ECG किया, बार बार किया, बट वो सभी कुछ नॉर्मल आया था। बट जिस तरह का उनको डिस्कम्फर्ट था, और चूंकि सीएम साहब पोस्ट कोविड फेज में थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हम थोड़ा सा एक कार्डियक एवोल्यूशन कराना चाहेंगे। वो बहुत एक डिसिप्लिन पेशेंट हैं, वो हर डॉक्टर की बात को मान लेते हैं। तो कल रात को जब उनका डिस्कम्फर्ट हुआ तो हमने उनको एडवाइस किया कि सर हम आपका CT एंजियो करवाना चाहेंगे, कहीं कार्डियक इशू तो नहीं है। ऑल्दो उनको किसी तरह के कोई कार्डियक सिम्टम नहीं थे, उनको सिर्फ गर्दन में दर्द था और राइट हैंड में दर्द था, जो डिस्क सर्वाइकल डिस्क में हो जाता है। हमारी बात को मानते हुए सर ने एग्री कर लिया, और सर को SMS से इतना लगाव है, SMS के डॉक्टर्स में इतना फेथ है, उन्होंने कहा मेरे को जो भी कराना है मैं SMS में कराऊंगा। तो सुबह उनका CT एंजियो किया गया। जैसे ही हमने CT एंजियो किया गया, 3 जो मुख्य आर्टरीज होती है उनमें एक आर्टरी में हमें 90% ब्लॉक मिला, जिससे CM साहब के जो लक्षण थे वो एक्सप्लेन हो जाते हैं। तो हमने उनको प्रोटोकॉल बताया कि सर अब आपका एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और स्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंप्लायंट पेशेंट। में कितना ब्लॉकेज था और स्टेंट कितने लगाए गए हैं, किस कंपनी लगा? एक आर्टरी में 90% ब्लॉक था, एक आर्टरी में एंजियोप्लास्टी हुई और एक आर्टरी में स्टेंट लगा। और जैसे ही स्टेंट लगा एब्सोल्युटली उनके सिम्टम खत्म हो गए और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। सर एक महत्वपूर्ण बात बताइए आपने कि आम नागरिक कितना उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो एक महत्वपूर्ण योजना जो मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना है उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराया और साथ में क्या पूरा ट्रीटमेंट उसी योजना के तहत लिया गया? CM साहब का हमने ट्रीटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस जो स्कीम नई खुली है उसमें एज ए कॉमन सिटीजन हमने उनको रजिस्टर किया, और कॉमन सिटीजन की तरह राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो कि हर एक का निशुल्क बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे यहाँ होता है उसके अंतर्गत किया। उसी के अंतर्गत हमने उनकी CT एंजियो की, उसी के अंतर्गत हमने उनकी स्टेंटिंग और एंजियोप्लास्टी की, एंड ही इज़ परफेक्टली फाइन। और मुझे एक याद है, तकरीबन 300 के अधिक बैठकें CM साहब ले चुके हैं, पौने 2 साल से फ्रंट फुट वॉरियर ग्रुप में काम कर रहे हैं कोविड मैनेजमेंट में। क्या स्ट्रेस इसका कारण हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से एकाएक तबीयत बिगड़ी है? नहीं, उनकी एकाएक तबीयत नहीं बिगड़ी। इन वो कल तक VC कर रहे थे, और 300 नहीं, उन्होंने 400 से ज़्यादा VCs दिए हेल्थ और कोविड के लिए, 100 से ज़्यादा VCs दिए। तो इतने लंबे समय तक बैठे रहने से उनको ये फीलिंग था कि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, बिकॉज उनके गर्दन में दर्द था और हाथ में दर्द था। बट जिस तरह उनको चेस्ट में भारीपन था, हम लोग बहुत केयरफुल थे, और चूँकि वो पोस्ट कोविड फेज़ में थे, उनके पहले सारे हार्ट के टेस्ट नॉर्मल थे, 3 साल पहले CT एंजियो भी नॉर्मल था, बट चूंकि वो पोस्ट कोविड फेज में थे और थोड़ा सा एटिपिकल सिम्टम्स थे, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर हम एक बार आप कार्डिया वर्कअप कराना चाहेंगे। वो बहुत ही, मैंने बताया, कंप्लायंट पेशेंट है, ओबीडियंट पेशेंट है, उन्होंने जैसा हम एडवाइस करते हैं एडवाइस कर लिया, और उन्होंने कहा जो भी करना है आप मेरा SMS में ही करेंगे। सर, तो मैं इसमें रोकना चाहूँगा, आज एक कॉमन मैन की तरह यहाँ पे आया, मैं देख रहा था सुबह जब मैं आया यहाँ पर, आम मरीजों के बीच में ऊपर तक गए और आम मरीजों की तरह उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, क्या मानते हैं कि अब इस वक्त उनकी कैसी स्थिति है, कैसी तबीयत है, और लोग जो कि उनकी सेहत के लिए कामना कर रहे हैं पूरे प्रदेश भर के वासी, उनको क्या मैसेज देंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि SMS में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कंट्री का बेस्ट टैलेंट अवेलेबल है। हमारे यहाँ रश की प्रॉब्लम है, और रश का कारण भी है लोगों का फेथ और लोगों का SMS के प्रति अफेक्शन।
सर ने बिल्कुल कॉमन मैन की तरह, हमने दूसरे पेशेंट्स के जैसे सीएम साहब को कार्डियो आईसीयू में रखा है लाइक ए अदर पेशेंट। उनके पास बिल्कुल नॉर्मल जनरल पेशेंट है। सारे लोग जो कि सीएम साहब से मिलने आ रहे हैं उनको प्रिंसिपल्स चैम्बर एसएमएस हॉस्पिटल में हमने एक उनका कंट्रोल रूम बनाया है जहाँ पर एक रजिस्टर रखा है। तो जो भी पेशेंट सीएम साहब को अपनी शुभकामनाएं देना चाहे, मैसेज देना चाहे, उस रजिस्टर में अपना नाम और मैसेज एंटर कर सकता है। वो उन तक पहुंचा दिया। अपडेट कर दूं कि पूरे प्रदेश भर के जो जैसे इनका चेतन वाले हैं वो सब जयपुर आने की बात कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि वहीं से करें और साथ में जो उनकी विशेष है वो भी वहीं से कर लें। मैं पब्लिक एट लार्ज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सीएम साहब को थोड़ा कार्डियक प्रॉब्लम हुआ था, उनके तीन में से एक आर्टरी ब्लॉक थी, एक में स्टेंट लग गया, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, एक दो दिन में वो बैक टू नॉर्मल रूटीन हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप जहाँ हैं वहीं रहें, अपनी शुभकामनाएं भेजें और अभी उनको ज़्यादा एक्सपोज नहीं करें तो बेटर रहेगा, बट अपनी शुभकामनाएं आप उन तक मैसेज के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा पहुँचा सकते हैं, वो हर शुभकामना का जवाब देते हैं। ठीक है, मेरे साथ सुधीर भंडारी जिन्होंने पूरा अपडेट दिया, पूरा बताया, साथ में जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं उन्होंने एक फोटो भी जारी किया और पूरा जो उनका अपडेट और दिया है और पल पल की अपडेट उनकी ट्विटर के जरिए देती जा रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में कराई एंजियोप्लास्टी। सीएम गहलोत ने न सिर्फ सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर जताया भरोसा बल्कि राज्य सरकार की बहुचर्चित आरजीएचएस स्कीम में करवाया इलाज। सीएम गहलोत ने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज में करवाया पंजीकरण, आम नागरिक के रूप में पंजीकरण करवा कर लिया इलाज। एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर सुधीर भंडारी के अलावा एसएमएस अधीक्षक डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर राजीव बगरहट्टा, डॉक्टर वीवी अग्रवाल, डॉक्टर विजय पाठक, डॉक्टर सोहन शर्मा, डॉक्टर मीनू बगरहट्टा और अन्य कई शामिल रहे। निजी अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश चंदवानी भी मौजूद रहे। एंजियोप्लास्टी के बाद धर्मपत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत ने सीसीयू में पहुंचकर सीएम गहलोत के हालचाल जाने। इस दौरान चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा सीसीयू में मौजूद रहे। इसके अलावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, अर्जुन बामनिया, टीकाराम जूली, ममता भूपेश, भंवर सिंह भाटी, सुभाष गर्ग, मुख्य सचेतक महेश जोशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व सांसद अश्क अली टांक, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, विधायक रफीक खान, अमीन कागजी, शकुंतला रावत, नरेंद्र बुढ़ानिया, जोगेंद्र आवाना, पूर्व विधायक सुरेंद्र जाडावत, मीनाक्षी चंद्रावत, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, संदीप चौधरी, राजकुमार शर्मा, युगल किशोर, पीसीसी सदस्य भवी आर के मार्बल्स के अशोक पाटनी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी एम एल लाठर, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप राका, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव भी अस्पताल पहुंचे और सीएम का हालचाल जाना। उस जनता का आशीर्वाद था कि पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हैं और अभी शायद डॉक्टर्स आज तो इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बाकी बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ है। सर, पोस्ट कोविड की वजह से कि सीएम साहब लगातार, अब देखिए वो तो डॉक्टर बताएंगे, लेकिन ये सही है कि पोस्ट कोविड की वजह से कई प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लोट भी जम जाते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स होते हैं, यूटीआई भी हो जाता है। अब ये तो डॉक्टर बता पाएंगे, लेकिन उनके हार्ट में मेन आर्टरी में प्रॉब्लम थी जो रिमूव हो चुकी है। 90% के लगभग मेन आर्टरी में उनके ब्लॉकेज थे मैन मुंह के ऊपर। हमें भी चिंता हुई और काफ़ी अपने आप में दुखी भी हुए, पर एक चीज़ दूसरी, हमारा मनोबल भी इस तरह से बढ़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में प्रत्येक गरीब जिनके लिए बहुत कल्याणकारी योजना लाए हैं उनकी दुआएं उनके साथ में, मेरे मोबाइल में अभी आपको बताएं तो कौन सी कौम की ऐसी दुआएं नहीं है कि ये जल्दी से ठीक हो माननीय मुख्यमंत्री जी और जल्दी ठीक हो करके इस राजस्थान की जनता की सेवा करें। निवासी की शुभकामनाएं आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी के साथ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के का जीवन है और उनके जीवन का जो संदेश है वो आम लोगों के लिए है कि कैसे आम लोगों की तकलीफ़ों को वो दूर कर सकें लगातार, क्योंकि हर कार्य में ये झलकता है कि उनका जो निर्णय है वो पंक्ति में बैठे सबसे पीछे वाले व्यक्ति के लिए है, जो गांधी जी का भी एक संदेश था और उस संदेश को अंगीकार किया है, आत्मसात किया माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। सीएम गहलोत के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर प्रदेश भर में उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया। एसएमएस अस्पताल में ही मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ अन्य नेताओं ने भौमया जी के मंदिर में धूप लगाई। सीएम गहलोत ने भी उन्हें मिली शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार जताया है। फर्स्ट इंडिया के लिए नरेश शर्मा के साथ विकास शर्मा की रिपोर्ट।